गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। क्योंकि जो मीटर ब्रिज है और जो स्लाइड वायर ब्रिज है, ये टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस है, ठीक है। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और टॉपिक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियो एंड तक देखें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सेकंड नेम है इसका, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो लैब में हमारे क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हम इसी पे करते हैं। तो कहने का मतलब है ये टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस है। तो पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, वो ध्यान से समझे। ये बच्चों इसमें एक वुडन स्केल होता है जिसपे मार्किंग होती है 1 to 100 सेंटीमीटर, मींस ये स्केल 1 मीटर का होता है, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मींस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस है और इसकी लेंथ 1 मीटर होती है स्केल की। फिर बच्चों इसमें कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, इसमें कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, 3 कॉपर स्ट्रिप होती है इसमें। मीटर ब्रिज लैब में भी इसका एक्सपेरिमेंट होता है, तो आप लैब में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ये इसमें 3 स्ट्रिप है, C1, C2, C3, ठीक है। यहां बच्चों एक रेजिस्टेंस लगा होता है इस गैप में, इस गैप में भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका R और ये है S, ठीक है। फिर इसमें बैटरी भी लगी होती है नीचे, यहां इसमें बैटरी लगी होती है, ठीक है। फिर इसमें एक वायर लगी होती है, ग्रीन से बना रहा हूं, ये वायर लगी होती है, ये AB जो वायर है ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर होती है। इसकी बात करेंगे ऐसा क्यों, और इसमें मार्किंग होती है इसे, फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ऐसे, और ये एरो नहीं है, इसे जोकी बोलते हैं, इसी शेप का एक जोकी आता है, जोकी का मतलब कंडक्टर का शार्प एज है एरो शेप में, ठीक है, ताकि कोई पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट देखना हो तो आपको परफेक्टली मैच मिल जाए। इसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ये है नोन रेजिस्टेंस, ये C1, C2,
सी थ्री, ये है थिक कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप, सी वन सी टू सी थ्री थिक कॉपर स्ट्रिप होती है बच्चों जी। गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है बच्चों, ये आपका वुडन स्केल है, और इसमें जो ये ए बी है ये एक वायर है, ये जो आपको दिख रहा है कॉन्स्टंटन और मैगनीन वायर। तो ये डायग्राम होता है मीटर ब्रिज का और विश स्लाइड वायर ब्रिज का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसका पर्पज क्या है, उसके बाद मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा कि यहां पे हमने रजिस्टर, गैलून मीटर, कॉपर स्वीप, ये वायर, बैटरी क्यों लगाई। सबसे पहला पर्पज ये है इसका, इसका टारगेट भी है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं। तो इसका टारगेट है, इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इसका टारगेट होता है अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। जैसे यहां पे दो गैप है, एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस रखेंगे जिसकी वैल्यू नहीं पता, एक गैप में नोन रेजिस्टेंस पुट करेंगे जिसकी वैल्यू नोन है, आपको गिवन है। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझेंगे। इतना समझ आया इसका पर्पस क्या है। दूसरा ये है कि ये एक्चुअल में है क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है माय डियर। व्हीटस्टोन ब्रिज को जब लैब में परफॉर्म करते हैं तो कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को डायरेक्टली नहीं बनाते, मीटर ब्रिज के थ्रू परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज में ही व्हीटस्टोन ब्रिज यूज होता है। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे कैसे काम करेगा। पहले इसका प्रिंसिपल भी लिख देता हूं मैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं डेटा, फिर जो रिटर्न वर्क है वो देखेंगे, ठीक है। ये तो समझ आ गया कौन क्या है, ये सी वन सी टू सी थ्री है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप है। थिक क्यों रखते हैं वो भी बात करेंगे। आर एस ये भी आपको पता है, जी गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है, ये वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि जो मीटर ब्रिज है इसमें जो ये कॉपर स्ट्रिप होती है ये थिक क्यों होती है। थिक का रीजन ये है बच्चों, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ये थिक इसलिए है क्योंकि कोई भी वायर जब थिक होती है तो थिक का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। अगर थिक होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रीजन समझ आया ये थिक क्यों है और कॉपर की ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है सिल्वर के बाद कॉपर ही आपका बेस्ट कंडक्टर में आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कॉन्स्टंटन और मैंगनीन की वायर क्यों लगाई। देखो कॉन्स्टंटन और मैंगनीन ये क्या है, ये अलॉय है। कॉन्स्टंटन में क्या होता है बच्चों, सी फॉर कॉपर एन फॉर निकल। तो ये जो कॉन्स्टंटन है ये कॉपर और निकल का बना होता है, मतलब कि एक अलॉय है। ऐसे ही जो मैंगनीन है ये कॉपर निकल प्लस मैंगनीज
मैग्नीज का बना होता है, ठीक है। तो ये अलॉय है दोनों ही। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अलॉय की वायर क्यों लगाई, क्या मार्केट में यही दो वायर अवेलेबल है, हजारों मेटीरियल है, उसके बावजूद भी हमने इसी वायर को क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा इस वायर की रेजिस्टिविटी हाई होती है और जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा वो लो होता है। हाई रेजिस्टिविटी से फायदा ये होगा आपको बड़ी वायर लेने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर में ही हाई से हाई रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर इसकी रेजिस्टिविटी कम होती तो आपको फिर बड़ी वायर लेनी पड़ती, फिर इतना बड़ा आपको बनाना पड़ता मीटर ब्रिज, फिर आपको मीटर ब्रिज नहीं 10 मीटर ब्रिज होता, वो 10 मीटर का। अब 10 मीटर का मीटर ब्रिज लैब में रखना पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं कि बच्चों चलो लैब में से वो एक्सपेरिमेंट उठा के लाओ मीटर ब्रिज, जा रहे पता लगा सारे 10 के 10 बच्चे उसको उठाने के लिए चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से कम लेंथ में हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। तो इस वायर को यूज करने के 2 रीजन है, हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि अल्फा अगर लो होगा इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर की वजह से ये वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो मान लेते हैं अगर हम रीडिंग इसमें करंट पास करेंगे तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी बदलता रहेगा, वायर का रेजिस्टेंस बदलता रहेगा तो हमारी रीडिंग भी बदलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वायर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कम इफेक्ट हो। तो वो 2 ऐसी वायर है ये कि इनका अल्फा लो होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, बैटरी पता ही है, गैल्वेनोमीटर ये चेक करेगा कि इस मिडल वायर में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने का काम करेगा। ये जो एरो शेप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जोकी, जोकी ये पॉइंट आपका जे हो जाएगा, ठीक है, ये जोकी है। अब तो आपको सब चीजें क्लियर हो गई, कौन क्या है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पे वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, P/Q = R/S, ठीक है। इट वर्क्स ऑन दी बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पे वर्क करता है, ठीक है। अब कैसे वर्क करेगा वो देखो, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया था, जो वेरिएबल रजिस्टर था आर उसको चेंज किया था। जब तक चेंज किया था बच्चों, जब तक गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन ना दिखा दे तब तक वेरी किया था हमने। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करेंगे, एबी वायर पे ऐसे जॉकी होगा, जॉकी को होल्ड करेंगे और यहां से ए से बी तक स्लाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वहां पे हम रुक जाएंगे। सपोज करो वो पॉइंट ये है, ये एल सेंटीमीटर पे दिखाएगा, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, ये 100 - L हो जाएगा। बोलो, पूरा 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का मतलब ये वायर 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का वायर है। तो ये जब बैलेंस पॉइंट एल पे आएगा तो ये 100 - L हो जाएगा। अब वही सिचुएशन हो गई, ये पी की जगह P/Q L/100 - L, 4 रजिस्टर हो गए, एक दो और ये एक L वाला, एक 100 - L वाला, और बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी। सेम सिचुएशन हो गई, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो हम बोलते हैं कि जो मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो लैब में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल समझ आ गया, इसका पर्पस समझ आ गया। अब जो कंस्ट्रक्शन की मेन लाइन है वो मैं लिख देता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है।
सबसे पहले कॉपर स्ट्रिप की बात कर लें, ये थिक होती है, क्यों होती है? रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये बात हो गई है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉपर स्ट्रिप C1, C2 एंड C3, थ्री थिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिक कॉपर स्ट्रिप C1, C2 एंड C3 टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और ए बी इसमें क्या है? ए बी इज ए 1 मीटर वायर, ए बी इज ए 1 मीटर वायर ऑफ कॉन्स्टंटन और मैंगनीन, बिकॉज, क्यों बना होता है इसका? बिकॉज इट हैव हाई रजिस्टिविटी रॉ, इट हैव हाई रजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस मीन्स एल्फा। इस वायर को यूज करने के दो ही पर्पज है, हाई रजिस्टिविटी होता है, एल्फा लो होता है, लो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस, बाकी आर रजिस्टेंस अननोन है, ये आप अपने से लिख लेना। आर अननोन रजिस्टेंस, एस नोन रजिस्टेंस, जे इज ए जॉकी, जी इज ए गैल्वेनोमीटर, वी इज ए बैटरी और डब्ल्यू इज ए वुडन स्केल। डब्ल्यू इज ए वुडन स्केल, ये वुडन स्केल है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो जो ये दो पॉइंट मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं ये अननोन, ये नॉन रेजिस्टेंस और ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये एरो जॉकी और ये बैटरी, ठीक है। तो वहां लिखे हुए हैं इसलिए मैंने लिख रहा, आर इज अननोन रेजिस्टेंस एंड एस इज नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। जी क्या है? जी इज गैल्वेनोमीटर एंड वी इज ए बैटरी और जे इज ए जॉकी। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, समझ आ गया। मीटर ब्रिज का मेन टारगेट है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। अभी मैं वर्किंग में दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और ये वी स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल अप्लीकेशन है। इसका प्रिंसिपल ये है, ये वी स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पे ही काम करता है, जो कंडीशन आई थी P/Q = R/S, बाकी ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। वर्किंग देखो, हम क्या करेंगे, जैसे ही जॉकी को मूव करेंगे A to B, तो जब हम जॉकी को मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। व्हेन वी मूव अ जॉकी, When we move a jockey on wire AB, जब इस जॉकी को आप AB वायर पे मूव करेंगे तो होगा क्या? देखो वही काम हो रहा है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में R चेंज हो रहा था। जब लेंथ चेंज होती जाएगी तो समझ लो रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहां वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम ये वायर कर रही है। When we move ए जॉकी ऑन वायर ए बी, देन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. सपोज करो बच्चों वो पॉइंट है जे. सपोज दिस पॉइंट इज जे. जे पॉइंट है जो ए से एल लेंथ पे है. तो अब वही सिचुएशन हो गई, जब गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होता तो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा. ये रेजिस्टेंस अपॉन में ये रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस अपॉन में इस वायर का. ठीक है. देन आर बाई एस, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस. अब आप सोचोगे सर ये एल है तो हम मान लेते हैं जो कॉन्स्टेंटन और मैगनीन वायर है इसके एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा. ये बात समझ में आई. इसके एक सेंटीमीटर का आर है तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू में आर. तो बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगा एल बाई 100 माइनस एल. उसका रीजन ये है, ये आर कैंसिल हो जाएगा. समझ आ गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेशियो लिखना है. पी बाई क्यू फॉर्मूला था ना, तो पी की जगह ये, क्यू की जगह ये, आर की जगह ये वायर और एस की जगह ये वायर. तो एक सेंटीमीटर का आर तो एल सेंटीमीटर, इस साइड रेजिस्टेंस एल आर, एक सेंटीमीटर का आर तो 100 माइनस एल का हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर. ठीक है. तो बच्चों आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल. तो ये आपके पास कंडीशन प्रूव हो गई, आर बाई एस एल बाई 100 माइनस एल. तो इसी न्यूमेरिकल से सारे क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे, मीटर ब्रिज के कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस अपॉन दिस, एल अपॉन 100 माइनस एल, सिंपल सा है. और जो बोला गया है वो आपको कहेगा कि यहाँ सीरीज में रजिस्टर लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया. तो अगर सीरीज में लगाएगा तो एक बना लेंगे, पैरेलल में लगाएगा तो एक बना लेंगे. इतना समझ आ गया. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये हाईली सेंसिटिव कब होगा. जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज हाईली सेंसिटिव कब होता है. हाईली सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है बच्चों कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी एक्यूरेट मेजर करे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कि छोटी से छोटी वैल्यू को भी अच्छी तरह मेजर करे. तो आपका जो मीटर ब्रिज है ये हाईली सेंसिटिव कब होगा, जब बैलेंस पॉइंट आपको एग्जैक्टली मिड पे मिले. अब आप सोचेंगे सर एग्जैक्टली मिड पे मिलेगा तो ये रेजिस्टेंस बराबर ही होगा. तो लैब में ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा ही एग्जैक्टली मिड पे मिलेगा. हम क्या करेंगे लैब में, 40 और 60 का रेंज बना लेते हैं कि हमारी रीडिंग 40 और 60 के बीच में आए, तो चांसेस होते हैं कि वो एक्यूरेसी है. और 50 पे तो 100% एक्यूरेसी होती है, बाकी थोड़ा बहुत एरर का चांसेस हो जाता है. तो ये हाईली सेंसिटिव कब होगा, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये हाईली सेंसिटिव एग्जैक्टली मिड पे होगा. दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो नॉन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, इसकी वैल्यू बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा, या सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएं तो बैलेंस पॉइंट इधर जाएगा या इधर, या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएं तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा. तो मैं एस और एल का एक रिलेशन बना देता हूं, तो वो यहीं से देखते हैं. तो नोट डाल लेते एक बार, नोट में दोनों पॉइंट कवर कर देता हूं. फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, इट इज हाईली सेंसिटिव व्हेन वी ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अ वायर. इट इज हाईली सेंसिटिव व्हेन वी ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अ वायर. ठीक है. दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि यहां सीरीज में या पैरेलल में लगाने से बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा.
तो वो भी बच्चों देख लो। तो मैं क्या करता हूं, इनसे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नोट में डाल लेंगे दोनों पॉइंट। जैसे आपने देखा आर बाई एस एल अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आर माइनस आर एल एस एल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में एल एल की वैल्यू एक साइड हो जाएंगी, ये बच्चों 100 आर हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस एस एल प्लस में आर एल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। अब क्या हो गया, ये हो गया 100 आर, एल यहाँ से कॉमन आ जाएगा एस प्लस में आर, तो एल आपको निकालना है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 100 आर अपॉन में एस प्लस में आर। आर तो अननोन है, ये तो कैलकुलेट करना है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, तो आर की तो टेंशन है नहीं। लेकिन ये वाला वो रेजिस्टेंस है जो हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, हम लगाते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपने एस के सीरीज में एक और लगा दिया तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एल आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आपने यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और बैलेंस पॉइंट एस कम हो जाएगा, तो एल बढ़ जाएगा, मतलब कि बैलेंस पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से जो एल निकल के आता है ये एस के इन्वर्सली है बच्चों, इन्वर्सली है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये लेंथ होती है ये इस नॉन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होती है। अगर यहाँ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैलेंस पॉइंट कम होगा, या पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा तो बैलेंस पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये आपका मीटर ब्रिज है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।